हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेव शेपिंग सर्किट के बारे में। बिफोर आई स्टार्ट आई विल गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज वेव शेपिंग सर्किट। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है वेव शेपिंग सर्किट, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं समझते हैं। इसमें पहली बात समझिए कि वेव शेपिंग क्या होता है। तो जैसे नाम से आप देख रहे हो कि कोई वेव आपको दे रखी है और उसको आप शेप कर रहे हो, उसको आप उसका आकार आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो बात यह है यहाँ पे कि आपके पास में कोई इनपुट है, इस प्रकार से कोई इनपुट है। अब ये इनपुट जो है आपकी साइन वेव भी हो सकती है, इसका कोई भी एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, इसकी कोई फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है, ठीक है। और ये किसी भी शेप की वेव फॉर्म आपको दे रखी है इनपुट साइड में। अब आपके पास में एक सर्किट है जिसको हम बोलेंगे वेव शेपिंग सर्किट। ब्लॉक डायग्राम से समझिएगा, आपके पास में इनपुट है, कोई भी साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, सॉटूथ वेव फॉर्म है, कुछ भी है। अब आप ये चाहते हो इसमें कि ये जो साइन वेव आ रही है ये तो सही है, पर यार ये 0 से लेके मान लीजिए 9 वोल्ट तक का मैक्सिमम इसमें आउटपुट आ रहा है, पर आपका सर्किट कुछ इस प्रकार से है कि जो 9 वोल्ट का जो सिग्नल है उससे वो डैमेज हो सकता है और आप चाहते हो कि रेस्ट्रिक्ट हो जाए ये 7 वोल्ट तक, क्योंकि आपका जो सर्किट है 7 वोल्ट तक ले पाए, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ इसमें वेव शेपिंग सर्किट में इस इनपुट को डालेंगे कि आपकी वेव फॉर्म इस प्रकार की आ जाए। समझ रहे बात, किस प्रकार की? इस प्रकार की आपकी आ जाए कि उसका जो आउटपुट है वो 9 वोल्ट ना जाके 7 वोल्ट तक लिमिट हो जाए, जिससे कि आपका सर्किट डैमेज ना हो। तो उसको हम बोलेंगे वेव शेपिंग सर्किट, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, मैं जैसे कि आपको ये सिग्नल मेजर करना है, मान लीजिए आपको ये 9 वोल्ट मैक्सिमम इधर है और -9 वोल्ट इधर है। अब आपके पास में ये दिया हुआ है कि आपको ये चीज़ को मेज़र करना है और आपका जो मेज़र का जो सर्किट है वो 0 से लेके, मान लीजिए 0 से लेके 15 वोल्ट सिग्नल को मेज़र कर सकता है, जीरो से लेके मान लीजिए 25 वोल्ट सिग्नल को मेज़र कर सकता है। अब जब इस सर्किट को जब आप मेजर करने बैठेंगे, इस इनपुट को आपको मेजर करना है जो कि -9 वोल्ट से +9 वोल्ट है, पर जो आपका जो सर्किट है वो कहाँ मेजर कर सकता है? 0 से लेके 25 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपका एक सर्किट है जो मेजरमेंट का सर्किट है, उससे पहले आप एक वेव शेपिंग सर्किट लगाएंगे, ठीक है। और वो वेव शेपिंग सर्किट क्या करेगा इस केस में, इस के लेवल को वो अप कर देगा, ठीक है। इसके लेवल को वो इस प्रकार से अगर वो कर दे कि जो ये -9 वोल्ट है और ये पूरी वेव फॉर्म है ये आपकी ऊपर हो जाए, मान लीजिए कि 12 वोल्ट मैंने इस पूरे सर्किट को ऊपर कर दिया, ठीक है। तो देखो 12 और 9, ये 9 वोल्ट था, इसमें मैं +12 ऐड कर दूं बेसिकली, ठीक है। तो जो 9 वोल्ट है, 9 और 12 कितना बन गया आपका, 21 बन गया, और -9 और 12 3 बन गया। तो कुछ इस टाइप की वेवफॉर्म मुझको मिल गई, ठीक है। ये सिग्नल था मेरा, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरी 3 वोल्ट हो गई और यहाँ पे ये +9 मेरी कितनी हो गई, 21 हो गई। अब ये 3 वोल्ट से 21 वोल्ट का सिग्नल मुझको मिल गया वेव शेपिंग सर्किट की सहायता से, उसको मैंने अपनी मेजरमेंट मापन सर्किट में डाला और मैंने आराम से इसको मेजर कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझ रहे हैं। अब मैं उसको नाम लेके भी बताऊंगा कि भाई हम क्या चीज़ है, पर आप मेन बात ये समझे, इसमें मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि वेव शेपिंग सर्किट है क्या, अगर कोई चीज़ पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि एक ऐसा सर्किट जो आपको इनपुट आ रहा है उसको वो चेंज करे, उसकी शेप चेंज करे, इस प्रकार से चेंज करे कि जो आपको आउटपुट चाहिए उसके लिए वो सूटेबल हो। सिंपल बात समझे।
वेव शेपिंग सर्किट एक ऐसा सर्किट है जो आपका जो इनपुट आ रहा है उसको इस प्रकार से चेंज कर दे कि वो आपके आउटपुट के लिए सुटेबल हो, उसके लिए वो जो आपको रिक्वायर्ड है वो सही है। जैसे कि हमने पहले केस में देखा था कि 9 वोल्ट का जो आपका जो इनपुट है वो -9 टू +9 वोल्ट है, पर जो आपका जो आउटपुट सर्किट है वो ये कहता है कि यार मुझे 7 वोल्ट से ज़्यादा मत देना नहीं तो मैं डैमेज हो जाऊँगा। तो आपने एक ऐसा सर्किट लगा दिया और उस सर्किट को क्या बोलेंगे हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे क्लिपर। क्या बोलेंगे उसको? हम क्लिपर बोलेंगे, जिससे कि वो 7 वोल्ट और -7 वोल्ट के बीच में ही फिट हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी चीज इसमें हमने क्या करा, क्लिप किया। क्लिप मतलब होता है कट कर रहा है वो, है ना, उस क्लिप को कट कर रहा है, ऊपर वाली क्लिप को कट कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात हमने इसमें क्या पढ़ी कि यहाँ पे दूसरा सर्किट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जिसमें वो सिग्नल था आपका -9 टू +9 और आप बोल रहे थे यार मैं -9 से 0 वाली कोई चीज पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो 0 से कोई 25 वाली लेवल की चीज मेरा सर्किट वोल्ट मीटर या समथिंग मेरा पढ़ सकता है। तो आपने क्या किया, आपने वेव शेपिंग सर्किट की सहायता से उस सिग्नल को +12 उस पर ऐड कर दिया, और जैसे ही आपने +12 ऐड किया तो -9 कितना बन गया आपका 3 वोल्ट बन गया, और आपका 9 कितना बन गया 21 बन गया। तो जिससे कि 3 से 21 आपका सिग्नल आ गया, मतलब ये इनपुट था, इसको वेव शेपिंग सर्किट में डाल के आपने ये बनाया, और इसके बाद में इसको आपने अपने मेजरमेंट सर्किट में 0 से 25 वाला जो सिस्टम है उसमें आपने यूज किया। तो इस चीज को जिसमें मैंने लेवल को शिफ्ट किया, इसमें मैंने कट किया था, इसमें मैंने कट किया था, इसमें मैंने लेवल को शिफ्ट किया था, उसको हम बोलते हैं क्लैंपर सर्किट। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पर आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं कि मैं आपसे इसमें क्या बात कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब जैसे एक और मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं मैं, और उसके बारे में आपको बताता हूं मैं। ये तो समझ में आया आपको कि शेप वेव शेपिंग सर्किट क्या है। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स में ना कॉन्सेप्ट समझना और कोई चीज क्यों यूज हो रही है वो बहुत जरूरी है। कई बार हम चीजों को पढ़ तो लेते हैं पर हमको ये समझ में नहीं आता कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, और एक बार हमने एप्लीकेशन समझ ली, उसका पूरा प्रारूप समझ लिया, तो हम जो है कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में। इसलिए मैं पहले एप्लीकेशन को लिया, उसके बाद में सारी चीज़ मैं दोबारा बताऊंगा, पर पहले आप एक बार इस चीज़ से थोड़ा वाकिफ हो जाएं। अच्छा, ये बात हो गई हमारी। अच्छा, अभी हमारा इनपुट आ रहा है, मान लीजिए इस प्रकार से हमारा इनपुट आ रहा है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपका आउटपुट जो चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसा चाह रहे हैं आप इसका कि ये 60 डिग्री से आगे बढ़ जाए, शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सिस्टम ये चाह रहे हैं कि ये इसमें एंगल का डिफरेंस आ जाए, मतलब इस प्रकार से एंगल का डिफरेंस आ जाए, ये इनपुट था आपका, ये आपका आउटपुट। तो इसमें हमने क्या किया, फेज को हमने डिले कर दिया। ठीक है, तो हम एक प्रकार से वेव फॉर्म में ही चेंज ला रहे हैं। अच्छा, एक आपका ये भी हो सकता है इसमें कि ऐसा आप सर्किट चाह रहे हो कि आपका एम्पलीट्यूड चेंज करना चाह रहे हो, कि एम्पलीट्यूड आपका -9 टू +9 वोल्ट है, और आप आउटपुट चाह रहे होंगे जिसमें +3 से -3 वो आउटपुट दे आपको। ठीक है, तो वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को यहाँ पे हम कम कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंगल को कम कर रहे हैं, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था जिसमें हम वोल्टेज को कट कर रहे हैं, उसके लेवल को हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो सभी जो है प्रकार, ये वेव शेपिंग सर्किट के ही एग्जांपल हैं। अब हम लोग अपनी क्लास को करते हैं शुरू, और इसमें जो है आप ये समझिए कि इसमें दो प्रकार के वेव शेपिंग सर्किट हम पढ़ेंगे, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। लिख ले बच्चों, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर, जिसको हिंदी में हम रेखीय, और इसको हम बोलते हैं अरेखीय। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है लीनियर सर्किट में और अरेखीय सर्किट में, जो लीनियर सर्किट में हम यूज कंपोनेंट यूज करते हैं, वो हम अंतर क्या है, लीनियर कंपोनेंट हम यूज करते हैं जिसमें आपका आता है R, L और C कंपोनेंट से हम बना के बनाते हैं
इस वेव शेपिंग सर्किट को। समझ में आ रही है बात? वेव शेपिंग सर्किट को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है लीनियर सर्किट, एक है नॉन लीनियर सर्किट जिसको अरेखीय और रेखीय बोलते हैं। इसमें लीनियर कंपोनेंट यूज होते हैं जैसे आर, एल और सी, और इसमें होते हैं नॉन लीनियर कंपोनेंट। नॉन लीनियर कंपोनेंट जिसमें आपका आता है डायोड और ट्रांजिस्टर। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, अगर पूछा जाया है आपसे, मैं अभी इसको लूंगा, इसमें हम लोग फेस शिफ्ट के लिए और एम्पलीट्यूड कम करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, आयाम इसका और एंगल चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे, लिख लो इस टेबल को, लिख लो, आपको ओवरव्यू समझ में आएगा। क्लिपर क्लैंपर सर्किट जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये है, इस चीज़ में ये आएगा कि ये बताएं कि लीनियर वेव शेपिंग सर्किट में कौन सा कंपोनेंट यूज नहीं होता है। तो अगर आपको दिया जाएगा आर, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी सी, ऑप्शन डी डायोड, तो आपको डायोड में क्लिक करना है। तो समझिए बात कि लीनियर में कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं और नॉन लीनियर में कौन से कंपोनेंट आपके यूज हो रहे हैं। तो ये हमारी चीज हो गई। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग अब लीनियर कंपोनेंट से। और लीनियर कंपोनेंट में, सॉरी, लीनियर कंपोनेंट मतलब लीनियर कंपोनेंट्स यूज करने वाले, मतलब लीनियर वे लीनियर सर्किट की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं आर सी और आर एल और आर एल सी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसमें आपके बनते हैं। पर यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो आपके कोर्स में है, वो आर सी सर्किट में आपको पढ़ाऊँगा। और आर सी सर्किट में दो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक पढ़ेंगे इंटीग्रेटर टाइप और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटर टाइप। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम इंटीग्रेटर टाइप आरसी सर्किट से। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग अब लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, रेखीय वेव शेपिंग परिपथ के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस जो आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आरसी बेस सर्किट पढ़ेंगे। और आरसी बेस में मतलब जिसमें आर और सी होंगे, और इसमें दो प्रकार के सर्किट होंगे, एक होता है डिफरेंशिएटर और एक होता है इंटीग्रेटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक पढ़ेंगे हम आरसी बेस्ड इंटीग्रेटर और एक हम पढ़ेंगे इसमें आरसी बेस्ड डिफरेंशिएटर। दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपका डिफरेंशियल सर्किट में ये बताइए कैपेसिटर आउटपुट के सीरीज में लगता है या पैरेलल लगता है, या फिर इंटीग्रेटर में रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर सीरीज में लगते हैं पैरेलल में लगते हैं। बेसिक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मैं एक सोटूथ वेव फॉर्म को, एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म को अगर मैं इंटीग्रेटर में डालूंगा तो क्या होगा, डिफरेंशियल में डालूंगा तो क्या होगा, या फिर एक स्क्वायर को इनपुट आ रहा है या साइन आ रहा है, तो इन डिफरेंट वेव फॉर्म का आउटपुट इन वेव शेपिंग सर्किट में इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आरसी बेस इंटीग्रेटर और आरसी बेस डिफरेंशिएटर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, उसका जो बेसिक सर्किट डायग्राम है वो हम समझेंगे। यहाँ पे हम वी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हम वी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। इंटीग्रेटर में रेजिस्टर आपका इधर होगा, ठीक है, और आपका डिफरेंशिएटर में कैपेसिटर आपका यहाँ पर होगा और यहाँ पर आपका रेजिस्टर होगा। और यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज वी नॉट लेंगे, यहाँ पे हम वी इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हम जो है आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस वी नॉट के अक्रॉस मेजर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इसकी जो वर्किंग है, इसका जो सर्किट डायग्राम है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो इंटीग्रेटर सर्किट है इसको हम जो है लो पास फिल्टर भी बोलते हैं, लो पास फिल्टर भी बोलते हैं।
और जो डिफरेंशिएटर सर्किट है इसको हम हाई पास फिल्टर भी बोलते हैं। अभी लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर क्या होते हैं, जैसे हमने फिल्टर्स में पढ़ा था, यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ। लो पास फिल्टर मतलब लो, अच्छा अपन बोल रहे हैं लो या हाई, ठीक है ना। तो लो क्या चीज़, लो हाई तो हाई क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसमें लो लो फ्रीक्वेंसी को जो पास कर दे उसको हम बोलेंगे लो पास फिल्टर। और हाई पास फिल्टर वो होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा बट लो को पास करने नहीं देगा, तो उसको हम बोलेंगे हाई पास फिल्टर। कोई भी सिग्नल जो होता है, कोई भी मान लीजिए कोई भी प्रकार का सिग्नल आपका आ रहा है, तो ये आपके बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से मिलके बना हुआ है, समझिए बात को। तो ये आपका बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से मिलके बना हुआ है, मतलब इसमें 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी है, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी है, 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी है, आपकी 2000 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी है, आपकी 3 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी है, ऐसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको आप LPF में निकालोगे, मतलब लो पास फिल्टर में निकालोगे, तो क्या होगा कि जो जैसे कि 1 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है, लोअर फ्रीक्वेंसीज है, उसको तो पास करने देगा। अब जो आउटपुट निकलेगा उसमें हायर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट नहीं होंगे, सिर्फ 1 किलो हर्ट्ज तक के समझ लीजिए, उसके नीचे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वही इसमें आएगी और हायर फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं आएगी। और अगर मैं इसमें HPF में इसको अगर इससे मैं अगर इसको पास करवाता, इससे गुजारता, तो क्या होता कि जो लो फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज की, 20 हर्ट्ज की, जो लो लो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ है वो तो नहीं रहती इसमें, और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी वाली इसमें आ जाती, ठीक है। तो समझे, पहली बात समझ गए आप कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर में क्या डिफरेंस है। जो लो फ्रीक्वेंसी को जाने दे वो लो पास फिल्टर, जो हाई फ्रीक्वेंसी को जाने दे वो हाई पास फिल्टर। और जो आपका इंटीग्रेटर है वो आपका लो पास फिल्टर की तरह काम करता है, और आपका जो डिफरेंशिएटर है वो आपका हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। तो ये मैंने कह दिया आपको भी काम करता है, पर किस प्रकार से काम करता है, क्यों काम करता है, ये हम अभी आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटर सर्किट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखें आप, मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए जो वी नॉट रहेगा यहाँ पे, वी नॉट क्या है, यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू वी इन माइनस आर आई। मान लीजिए यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वी नॉट क्या हो जाएगा आपका, वी इन माइनस आर आई, ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू वी इन माइनस आर आई, ये आपको समझ में आ रहा है। अच्छा दोस्तों, अब देखिए आप कि जो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आपका सी वी होता है, ठीक है। और जो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, और आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो अपन क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई डी टी का इंटीग्रेशन, आई डी टी का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे क्यू को, ठीक है दोस्तों। अब देखें इसमें क्यू इज इक्वल टू सी वी है, तो क्यू इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, सी इंटू वी। अच्छा क्यू इज इक्वल टू सी वी है, तो जो कैपेसिटर ये चीज़ जो मैंने लिखी है वो क्या है, इस कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पे जो चार्ज है क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। वी वी क्या है यहाँ पे, वी नोट आउटपुट वाला आपका ये। तो आप देखें कि क्यू इज इक्वल टू सी वी नोट है। अब जो इसका मतलब क्या हुआ कि वी नोट क्या हो गया, क्यू बटा सी हो गया, ठीक है, और क्यू क्या है आपका, आई डी टी बटा सी है, ठीक है, ये भी समझ में आपको आ रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे एक बार इसको आगे सॉल्व करा देता हूँ मैं। तो हमारा क्या यहाँ पे आ रहा है, वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, आई डी टी डिवाइडेड बाय सी आ रहा है। अच्छा जो आई करंट है, जो आई करंट है वो क्या है, जो इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, वी इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। आई क्या है मेरा, आई करंट क्या है मेरा, वी इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। अब इसमें हम लोग ये जो आर लेते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से लेते हैं कि जो यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप हो रही है आर आई, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आर आई बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये वी नॉट की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है।
बेसिकली यहाँ पे आर और सी का हम सिलेक्शन कर रहे हैं इस प्रकार से करते हैं कि आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो ये जो वी नॉट पे जो वोल्टेज जो डेवलप हो रही है वो बहुत कम होती है। तो इससे क्या होगा कि हम इसको अप्रोक्सीमेशन लेके आई इज इक्वल टू वी इन डिवाइड बाय आर लिखते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी इन डिवाइड बाय आर लिखते हैं। तो यहाँ पे इस आई की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा क्या आएगा, वी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, वन डिवाइडेड बाय आर सी आ जाएगा और वी इन डी टी क्या जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय आर सी इंटीग्रल ऑफ वी इन इंटू डी टी। मेरे ख्याल से आपको शायद दिख नहीं रहा है, रुको, ये देखिए स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू वी इन माइनस वी नॉट डिवाइड बाय आर है। वी नॉट हम बहुत स्मॉल है इसलिए हम नेग्लिजिबल लिया है, क्यों, हमने आर को बहुत ज़्यादा ले लिया है और फिर हमने वी इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या आता है मेरा, वन डिवाइड बाय आर सी और वी इन डी टी। आई की जगह मैं इसको फिट करता हूँ तो क्या आएगा मेरा, वी इन डी टी। तो यहाँ पे मुझको एक इंपॉर्टेंट सिग्नल मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि जो वी नॉट है मतलब आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है मेरा, इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन है। आउटपुट वोल्टेज क्या है मेरा, इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब इसका इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन क्या होता है कि जैसे एक स्क्वायर वेव का इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ट्रायंगल वेव मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर सर्किट आपको दे दिया जाए इंटीग्रेटर का, तो आप समझना है कि स्क्वायर आप दोगे तो आउटपुट निकलेगा ट्रायंगल निकलेगा। अगर आप ट्रायंगल दोगे उसको, ट्रायंगल दोगे तो साइन वेव आउटपुट वो निकालेगी, ठीक है। स्क्वायर वेव रहेगा तो ट्रायंगल वेव निकालेगा इंटीग्रेशन। बेसिकली बात क्या हो रही है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन। तो स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन ट्रायंगल वेव होता है और ट्रायंगल का इंटीग्रेशन आपका साइन वेव होता है। तो ये हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेटर के बारे में कि इंटीग्रेटर में जो आउटपुट और इनपुट के बीच का जो रिलेशन है वो ये है, वी नॉट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय आर सी इंटीग्रल ऑफ वी इन इंटू डी टी। तो आपको जो इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये है कि इंटीग्रेटर में जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज कैसे जुड़ी रहती है, वन डिवाइड बाय आर सी वी इन डी टी होती है और इसका वी इनपुट का इंटीग्रेशन ये होता है। अब अगर मैं इसमें एक चीज़ और देखो, आप अगर आपकी वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से, अगर आप स्क्वायर पल्स इसको दे रहे हो, मान लीजिए इस प्रकार की आप स्क्वायर पल्स इस सर्किट में आप दे रहे हो, ठीक है, तो ये है आपका वी इनपुट है। तो वी आउटपुट आपका किस प्रकार से होगा वो हम समझ रहे हैं इसमें। तो इसका इंटीग्रेशन, स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन हम लोग इसमें करेंगे तो हमको जो मिलेगा इसमें वो इस प्रकार की आउटपुट में वेवफॉर्म मिलेगी हमको कि इस का इंटीग्रेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर वेव का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा आपका, यहाँ से लेके आप यहाँ तक जाएंगे ना, ये इस प्रकार से इंटीग्रेट होगा और इसके बाद ही डिस्चार्ज होना शुरू होगा, इसके बाद ये डिस्चार्ज होगा, फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक फिर ये इंटीग्रेशन होगा और फिर इसके बाद में और होगा। अब इस प्रकार की वेव फॉर्म आएगी। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये पूरी ट्रायंगल वेव फॉर्म नहीं है, पर इसको और फिल्टर सर्किट लगाया जाएगा एक, तो ये और प्योर आपकी स्क्वायर वेव, सॉरी ट्रायंगल वेव जैसे इस प्रकार की होती है आप इससे बना सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं ये समझे, इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका कि आर सी बेस इंटीग्रेटर में आर सी की वैल्यू ग्रेटर देन आपकी जो पल्स विड्थ है उसके 10 टाइम्स, उसका जो पीरियड है पल्स विड्थ जो है उसके 10 टाइम्स होनी चाहिए या फिर 5 टाइम्स होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आ गया लेस देन 10 टाइम्स होनी चाहिए या फिर आ गया लेस देन 5 टाइम्स आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बन सकता है। तो इसको हम समझेंगे, इस बात को, एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए मैं ये मिटा रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएटर सर्किट मिटा रहा हूँ। देखें स्टूडेंट्स इस बात को कि कैपेसिटर जो चार्ज होता है ना वो होता है आपका V इज इक्वल टू V नॉट
वन माइनस ई माइनस टी डिवाइड बाय आर सी से कैपेसिटर आपका चार्ज होता है, और जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इसमें हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।